नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश के नंबर वन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। मैं अकेडमी यूपी एग्जाम से आपके साथ जुड़ गई डॉक्टर नमस्कार। सही समय हो गया आज के हमारे साइंस एंड टेक के सेशन। आज आपको मैं एमसीक्यू कराने वाली हूँ और बहुत ज़बरदस्त एमसीक्यू गाइज आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर अभी आप लोगों के क्या क्या है। तो गाइज सबसे पहले आपको बताएं कि अन अकेडमी के ऊपर मेरा एक स्पेशल क्लास आज से शुरू हो जाएगा। तो स्पेशल क्लास का समय आप नोट कर लेगा, आज रात 9 बजे से मेरा स्पेशल क्लास शुरू हो रहा है। और ये स्पेशल क्लास दिस इज बेसिकली फॉर करंट अफेयर्स। और इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल अपने मेरा कोड लगाना है रेना10 और उसके बाद आपको क्लास में आना है। चलिए उसके बाद गाइज अब आपको बता दें कि अन अकेडमी आपके लिए बहुत जबरदस्त प्रोग्राम लेकर आ रहा है। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर तो चलेगा, साथ में आपके अन अकेडमी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है गाइस कि आप ज्यादातर आपको रेस्ट्रिक्शन मिलती है वीडियोस में कि आप 3 बार ही देख सकते हो, 4 बार देख सकते हो। लेकिन अन अकेडमी के पास आप जब तक आपका 2 साल तक आप लगातार कितनी बार भी चाहे तो आप अन अकेडमी के इस सब्सक्रिप्शन की जो है उसको आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और उसके अलावा ये हमारे पास 24+3 महीने का सब्सक्रिप्शन, 3 महीने एक्स्ट्रा आपको फ्री हम दे रहे हैं। बहुत जल्दी प्राइस हाइक होने वाला है, नेक्स्ट मंथ एग्जाम है तो जल्दी करिए। अलावा गाइज हर संडे को सुबह 10 बजे हम आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आते हैं और इस टेस्ट में हम आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप जो है किसी तरीके से भी अपना ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है ना। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे तो बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। उसके अलावा मेन्स के बैचेस हमारे पास है गाइज, आप नोट कर सकते हो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगले साल के लिए लक्ष्य। बच्चों मेरा बैच जो प्लस का है वो शुरू हो रहा है, सारथी बैच है, नाम नोट कर ले। और 18 तारीख से शुरू हो रहा है, समय है दिन में 1:30 बजे। तो 5:30 के बच्चे कोर्स के एनरोल कर ले। बच्चों हमारा फीस है 24 महीने का मात्र 350 रुपये महीना और इसके साथ भी हम आपको 3 महीने एक्स्ट्रा दे रहे हैं प्लस 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो सोचिए इतना बढ़िया शानदार ऑफर आपके लिए चल रहा है। उसके अलावा यूपी और बिहार वाले बच्चों के लिए हमारे पास एक कॉम्बो ऑफर है जिसमें हम आपको 60 रुपये महीना पर हर 6 महीने के लिए गाइज आपको एक कोर्स हम लोग दे रहे हैं। तो फटाफट से एनरोल कर ले। बस बाउंड्री में क्या है गाइज, बस बाउंड्री में हम आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अगर आप अन अकेडमी की वीडियो पर कोई भी गलत चीज या इनअप्रोप्रिएट कंटेंट या कोई भी रेशियल हेट्रेड या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क्स या कुछ भी ऐसा कुछ देखते गाइस तो आप फौरन उसकी जानकारी हमें दे और उसके बाद आपको उसके लिए इनाम मिलेगा। चलिए गाइस शुरू करती हूँ आज का क्लास। और जो बच्चा हेलो आरिफ एंड प्रज्ञा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और जो बच्चे पर आए लाइक करेंगे दबा देना, अभी किसी का भी लाइक नहीं आया हमारी वीडियो पर, दोनों के दोनों। चलिए शुरू करती हूँ आज का क्लास गाइस। आज एमसीक्यू कराने वाली हूँ मैं आपको और एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन आपके सामने लगाने जा रहे हैं, तो जल्दी से शुरू कर लीजिए भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, चलिए बहुत हल्का सा और सस्ता सा क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है बताएं फटाक से। वार्म अप क्वेश्चन है तो जल्दी करें, बहुत सारे क्वेश्चन हमें आपको कराने हैं आज, वार्म अप सेशन है गाइज ये। तो फटाक से नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आज हमेशा की तरह हमारी क्लास में। विटामिन डी की कमी से क्या होता है तुरंत बताएंगे बच्चों। हर साल पेपर के अंदर विटामिन्स का क्वेश्चन आता ही आता है क्या आपको? चलिए तो विटामिन डी, यस एब्सोल्युटली राइट रिकेट्स। बच्चों विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी? मैं फिर याद दिला देती हूँ आपको, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और उसका केमिकल नेम होता है डी हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल। तो बच्चों विटामिन डी आपके बॉडी में कहाँ सिंथेसिस होता है? लीवर में होता है। कहाँ रुकता कहाँ है? लीवर में होता है, बनता भी लीवर में है, रुकता भी लीवर में है। और बच्चों ये विटामिन डी खाली रिकेट्स नहीं, और भी बहुत सारी बच्चों आपके बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट काम होते हैं तो भी विटामिन डी करता है। बच्चों आपको मैं बता दूं आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में ये एक हिडन जेम है, मतलब किसी को पता नहीं है, लेकिन अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी का कमी होना शुरू हो जाएगा तो आपको बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन कैच करने शुरू हो जाएंगे। जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई एलर्जी ट्रिगर हो जाएगी। तो बच्चों ये बहुत सारे इसके मल्टीपल फंक्शन होते हैं, विटामिन डी को आप अपनी डाइट में जरूर ले। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम ये मलेरिया का नया स्ट्रेन है, आपको बताना है ये मलेरियल स्ट्रेन कौन से ग्रुप में आता है, बैक्टीरिया वायरस
प्रोटोजोआ और फंगाई, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, बच्चों ये कौन से ग्रुप में आता है? हाँ वेरी गुड, प्रोटोजोआ, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब हमारे पास आ रहे हैं, बहुत शानदार। चलिए बच्चों, इनमें से कौन सी बीमारी है जिसमें मेमोरी लॉस पूरी तरीके से हो जाता है? एमनेशिया, शाइजोफ्रेनिया, पूरी तरीके से कंप्लीट लॉस की बात हो रही है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अल्जाइमर और पार्किंसन, बिल्कुल सही, स्मृति लो। बच्चों एमनेशिया का मतलब होता है पूरी तरीके से खत्म हो गई मेमोरी है ही नहीं, और ये कैसे हो सकता है? कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई सर पे चोट लग जाए या ट्यूमर हो जाए, ब्रेन ट्यूमर हो जाए बच्चों, तो ऐसे में कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, आपको बताना है किसी भी स्तनधारी का जो भ्रूण होता है यानी कि एम्ब्रियो होता है, उसमें एक सबसे बाहरी मेम्ब्रेन होती है जो एम्ब्रियो और एनवायरमेंट के बीच में एक्सचेंज का काम करती है। बच्चों आपको बताना है कौन सी मेम्ब्रेन। चलिए मेरे पास आंसर आ रहा है कॉरियन, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, कॉरियन इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों एम्फ्लोरा क्या चीज है? एम्फ्लोरा क्या चीज है जल्दी बताएं। एम्फ्लोरा क्या चीज है बच्चों? जेनेटिकली मॉडिफाइड है, क्या चीज है? क्वेश्चन नंबर 5। गुलाब, आलू, लोटस या टमाटो, वेरी गुड बच्चों, ये पटेटो है, ये पटेटो है, आलू है, और मैंने आपको पहले भी शायद ये क्वेश्चन करवाया तो मैंने आपको बताया था बच्चों, ये आलू नॉन एडिबल आलू है, यानी कि इस आलू को खाया नहीं जाता है। ये आलू के अंदर 100% अमाइलो पैक्टिन मिलता है आपको, 100% अमाइलो पैक्टिन मिलता है, और ये जो अमाइलो पैक्टिन है गाइज, ये आपका जो है ये स्टार्च, यानी कि आप कागज बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में काम आता है बच्चों, पेपर इंडस्ट्री में काम आता है ये, तो उसको स्पेशली इसलिए बनाया गया था, इस आलू को जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाया गया था, नेचुरली नहीं मिलता है आलू, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, इसको कागज की इंडस्ट्री में जहां पर भी कागज से संबंधित काम होता है वहां पर बच्चों इस आलू को जो है वो यूज किया जाता है ताकि पेड़ों का नुकसान ना हो और पेड़ों का कटान ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, सिरोसिस जो बीमारी है आपकी, ये कौन से ऑर्गन से संबंधित है? वेरी गुड, लीवर, लीवर सिरोसिस। हेलो जयंत जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, WHO ने लेप्रोसी एलिमिनेशन के लिए हमें क्या बोला है कि भाई कितना होना चाहिए कोड का, यानी कि कुष्ठ रोग का मिनिमम ढांचा कितना होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 7। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है बच्चों, 10,000 में अगर एक केस आता है, बिल्कुल सही आ रहे जयंत प्रज्ञा, वेरी गुड।
बच्चों अगर 10,000 में एक केस आता है तो आप ये मान के चलिए कि ये इंडिकेट करेगा कि धीरे धीरे जो कुष्ठ रोग है वो उन्मूलित हो रहा है। चलिए बच्चों आपको बताना है, स्टेपीज ये ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा और लाइटेस्ट बोन है, ठीक है? आपको बताना है ये कहाँ पर मिलेगा आपको स्टेपीज। वेरी गुड, ईयर, कान में मिलता है बच्चों। आपके कान में सबसे छोटी तीन हड्डियां होती है, मेलियस, इंकस एंड स्टेपीज। तो बच्चों स्टेपीज सबसे छोटी, आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेपीज कहा जाता है उसको। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, कॉर्पस कैलोसम ये आपके बॉडी में कहाँ मिलता है? कॉर्पस कैलोसम आपके शरीर में कहाँ मिलता है? कॉर्पस कैलोसम वेरी गुड, ब्रेन का पार्ट होता है बच्चों कॉर्पस कैलोसम, ब्रेन का पार्ट होता है, मिडिल पार्ट होता है जहां से आपका सारा कॉग्निटिव पावर और इंटेलिजेंट पावर निकल के आती है। बिल्कुल सही बच्चों, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है बच्चों? मैं आपको ये रिवाइज करा रही हूँ, क्वेश्चंस में से हमने बहुत सारे क्वेश्चन पहले कर चुके हैं लेकिन जो नए बच्चे उनके एक बार मैं रिवाइज करा रही हूँ ताकि हम नए क्वेश्चंस आगे बढ़ा सके। एक बार जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सब कंसोलिडेट करके और मैंने सोचा आपको रिवाइज करा देते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारी क्लासेस रेगुलर नहीं ले पाते। बिल्कुल सही, हाइड्रोफोबिया किसको बोला जाता है? रेबीज को बोला जाता है, रेबीज को। और आपको बताइए बच्चों रेबीज किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। चलिए बच्चों आपको बताना है आपके हृदय में कौन सा ऐसा पार्ट है जो ब्लड को फैलाता है सर्कुलेशन में? आपके हृदय में ब्लड फैलाने का काम कौन करता है? ब्लड को इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट सर्कुलेट करने का काम कौन करता है बताइए? आलंद या निलय बच्चों? एट्री, देखिए एट्रियम को कहते हैं आलंद, हिंदी में बता देती हूँ मैं जो बच्चे हिंदी भाषी हैं, और वेंट्रिकल को हिंदी में बोलते हैं निलय। तो आलंद और निलय, तो आपको बताना है कि हृदय में आपके ब्लड को फैलाने का काम आलंद करते हैं, कौन सा आलंद करता है, ये हृदय या निलय करते हैं? हेलो पूजा जी नमस्कार, बिल्कुल सही प्रज्ञा, वेरी गुड प्रज्ञा का आंसर बिल्कुल सही है बच्चों, वेंट्रिकल्स। देखिए आपके हृदय के अंदर बच्चों बहुत ध्यान से डायग्राम देखिएगा, आपके हृदय में जो ऊपर के दो खाने होते हैं इनको आप बोलते हो एट्रियम यानी के आलंद, और नीचे के जो दो होते हैं उनको बोला जाता है निलय यानी के वेंट्रिकल। तो बच्चों जब आपके हृदय में ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड आता है, सबसे पहले किसमें आता है? सबसे पहले कहाँ आता है? एट्रियम में, एट्रियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है, यानी कि आपके शरीर का सारा ब्लड जो आ गया वो वेंट्रिकल में चला गया, वहां से लंग्स में गया, उसके बाद लंग्स से साफ होकर फिर आपके ऑरिकल में आया, इधर वाले राइट ऑरिकल में आया, राइट आलंद सीधे हाथ के आलंद में आया, फिर नीचे वेंट्रिकल में गया और फिर पूरी बॉडी में फैल गया। यानी के कहने का मतलब यह है कि सर्कुलेशन की जब बात आती है तो उसमें दोनों वेंट्रिकल्स इन्वॉल्व रहते हैं। और यहाँ पर बच्चों दो आपके, मैंने आपको पढ़ाया भी था, यहाँ पर बच्चों दो आपके क्या होते हैं? वाल्व होते हैं। ये वाल्व ब्लड को ऊपर जाने से रोकते हैं, एक बार नीचे आने के बाद ब्लड वापस ऊपर बैक नहीं मार पाता है वेंट्रिकल्स की वजह से। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, आपको बताना है इनमें से किसका स्वभाव सबसे ज्यादा नेचर में आपको एबंडेंट, सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा कार्बनिक यौगिक मिलता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज एंड सेलुलोज। चलिए मेरे पास जो आंसर आ रहा है जयंत का आ रहा है ग्लूकोज, और प्रज्ञा का आ रहा है सेल्यूलोज।
और आरिफ का आ रहा है फ्रक्टोज। चलिए बच्चों, अब मैं नेचर में सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात करें तो प्रज्ञा का आंसर बिल्कुल सही जा रहा है, सेल्यूलोज। बच्चों आपके पूरी सृष्टि में सबसे ज्यादा जो अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन सा है? सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज को ही आप बोलते हो लकड़ी, लकड़ी। और बच्चों एक बात और है, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्टर्बिंग इसलिए है क्योंकि सेल्यूलोज को भी किसने बनाया है? ग्लूकोज ने बनाया है। सेल्यूलोज को भी किसने बनाया है? ग्लूकोज ने बनाया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछा है आपसे सबसे ज्यादा, लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करोगे तो ग्लूकोज एक इकाई की तरह काम कर रहा है, इकाई की तरह काम कर रहा है। सेल्यूलोज भी ग्लूकोज से बना है, ठीक है, और सेल्यूलोज की बहुत सारी, ग्लूकोज से और भी बहुत सारी चीजें बनती है। तो बच्चों आंसर ए भी करेक्ट है और आंसर डी भी करेक्ट है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि नेचर में सबसे ज्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो आप उसका पहले बेस्ट आंसर दोगे ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज ऑप्शन में नहीं है जी, अगर नेचर में, अगर आंसर में ग्लूकोज नहीं है, सेल्यूलोज है, तो फिर आप आंसर दोगे सेल्यूलोज। लेकिन अगर दोनों है बच्चों तो आपको प्रिफर्ड आंसर ग्लूकोज देना है, प्रिफर्ड आंसर आपको ग्लूकोज देना है क्योंकि ग्लूकोज से ही लगभग सारी चीजें मिलकर बनी है। ठीक है, समझ आ रहा है गाइस? वेरी गुड जयंत, तुमने बिल्कुल सही पकड़ा है ना। तो बच्चों सेल्यूलोज नहीं है इसका मतलब, आंसर तो सही है, मैं ये नहीं कह रही सही नहीं है, लेकिन तब सही है अगर हमारे पास ऑप्शन में ग्लूकोज नहीं है, तब सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ। बच्चों जीन किसका इकाई है? जिंदगी का, सेल का, कोशिका का, डीएनए का या क्रोमोसोम का? हाँ, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था ये, बिल्कुल जयर। देखिए ग्लूकोज से ही दुनिया में सब कुछ बना है, अगर ग्लूकोज नहीं होगा तो कुछ नहीं बनेगा। डीएनए में भी हमें ग्लूकोज से मॉडिफाई होकर ही डीएनए बना है, ठीक है, वहां पर भी पेंटोज शुगर आती है, तो कहने को वो डीएनए ग्लूकोज का ही मॉडिफिकेशन है। तो बेस्ट आंसर ग्लूकोज बनता है एज पर द नॉलेज, एज पर द एक्सपर्ट, कोई भी एक्सपर्ट बताएगा तो यही बोलेगा ग्लूकोज आंसर है इसका। चलिए बच्चों जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चे गलत करते हैं इस क्वेश्चन को, बच्चे गलत करते हैं इस क्वेश्चन को। जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ, वेरी गुड आरिफ एंड प्रज्ञा, बिल्कुल सही आंसर है डीएनए। बच्चों डीएनए का ये क्रोमोसोम पे ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ क्रोमोसोम बिल्कुल गलत आंसर है, ये डीएनए इज द राइट आंसर। बच्चों देखिए आपका डीएनए बहुत बड़ा होता है और ये मैंने अपनी क्लासेस में भी आपको बार बार बताया है, डीएनए का केवल कुछ पार्ट होता है जहां पर काम की चीजें होती है, केवल उसी पार्ट को आप लोग जीन बोलते हो। तो बच्चों अगर कभी आप बायोलॉजी एनसीईआरटी या किसी अच्छी किताब में आप जाओगे तो वहां पर क्या बोलेगा वो कि जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको नोट करिए आप लोग, फटाक से नोट करें। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन काम नहीं करता है, यानी कि इंसुलिन का काम बंद हो जाता है होना, तो ऐसे व्यक्ति को क्या हो जाता है बताइए? हाइब्रिड डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, या इनमें से कोई नहीं? बच्चों ऐसे बंदे को क्या हो जाता है, उसकी बॉडी में अचानक इंसुलिन मान लीजिए रेजिस्टेंट हो जाए, काम ही ना करे, क्या बोलेंगे उसको? चलिए मेरे पास जो आंसर्स आ रहे हैं, ए आ रहा है पूजा का, प्रज्ञा का, जयंत का और आरिफ का, मेरे पास जो आंसर्स आ रहे हैं गाइस आ रहे हैं टाइप 1 डायबिटीज, और लगभग सभी ने गलत कर दिया है। बच्चों टाइप 1 डायबिटीज बाद में होता है, कभी भी पैदाइशी, देखिए टाइप 1 डायबिटीज किसको बोलते हैं बच्चों? ये डायबिटीज मेलिटस को कहा जाता है और ये डायबिटीज बचपन से होता है, पैदाइशी होता है।
लेकिन जो टाइप टू डायबिटीज होता है वो बाद में बनता है, मोटापे से, हाई कोलेस्ट्रॉल से, हाई बीपी से। बच्चों ऐसे में क्या होता है कि जो आपका अग्नाशय होता है, जो आपका पेंक्रियाज होता है, वो काम उसके अंदर बच्चों जो बीटा कोशिकाएं होती हैं जहां से इंसुलिन रिलीज होता है। तो बच्चों बहुत ज्यादा मोटापा जब चढ़ जाता है ना, तो आपके लीवर एंटागोनिस्टिक हार्मोन बनाना शुरू कर देता है, और वो हार्मोन क्या करता है, वो आपके बॉडी में इंसुलिन को काम ही नहीं करने देता। और जब इंसुलिन को काम नहीं करने देगा तो क्या होगा, धीरे 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 ब्लड शुगर हाई होना शुरू हो जाएगा, और उसी को आप बोलोगे डायबिटीज हो गया। ये डायबिटीज ज्यादातर आपको 35 साल के बाद होता है। हेलो रेहान, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये टाइप 2 डायबिटीज इसका आंसर है। टाइप 1 इज बाय बर्थ, इट इज बाय बर्थ। ये बचपन से ही कोई खराबी हो जाए, माँ के पेट से ही डायबिटीज हो जाए, है ना, या अग्नाशय में ही कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो बच्चों इसके कारण दूसरे हैं। बाकी टाइप 2 डायबिटीज जो है ये बाद में हमारी फूड हैबिट्स और हमारे जीने के तरीके की वजह से ये वाली डायबिटीज जो है वो ज्यादातर हो जाती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों गाउट। आपने गाउट या गठिया बाय का नाम सुना होगा। अब आपको ये बताना है कि गठिया बाय हमारे शरीर में होती है, कब होती है, जब हमारे शरीर में बहुत ज्यादा यूरिक अम्ल बनना शुरू हो जाता है। अब आपको ये बताना है कि ये यूरिक अम्ल जब आपके जोड़ों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो इस प्रॉब्लम को क्या कहेंगे, वायरल इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मसल डिसऑर्डर या बैक्टीरियल संक्रमण। गुड मॉर्निंग फजान, रेहान, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चों जो बच्चे अभी भी वीडियो पर आए हैं लाइक से जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या आंसर्स आ रहे हैं इसके। तो वेरी गुड गाइस, हमारे पास जो आंसर्स आ रहे हैं सी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। बिल्कुल बच्चों, जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड, जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड जो है वो बिल्कुल सही तरीके से बॉडी से बाहर नहीं जा पाता है बच्चों, तो उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि शरीर से यूरिक एसिड बाहर नहीं जा रहा है, किडनी में प्रॉब्लम आ रहा है, लीवर में प्रॉब्लम आ रहा है, तो दैट इज बेसिकली कैटेगराइज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस ये एक तरह का डायबिटीज है, शुगर है। अब आपको बताना है ये एक हार्मोन की वजह से हो जाता है जिसको कहा जाता है ADH, एंटी डायबिटिक हार्मोन। अब आपको बताना है बच्चों ये हार्मोन निकालता कौन है, ये हार्मोन कौन रिलीज करता है, बताइए। डायबिटीज इंसिपिडस बच्चों कौन से हार्मोन से रिलेटेड हो, ये हार्मोन किससे रिलेटेड हो रहा है, कहां से निकल रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड प्रज्ञा, बहुत बढ़िया जवाब। और जयंत, वेरी गुड। नहीं नहीं बच्चों, ये हार्मोन ADH कहां निकल रहा है, ADH निकलता है आपकी किडनी पर, लेकिन किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथि होती है, एड्रेनल ग्लैंड। लेकिन एड्रेनल ग्लैंड को कौन बोलता है निकालने के लिए, पिट्यूटरी, यानी के द मास्टर ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। आपके शरीर में जो पीयूष ग्रंथि होती है बच्चों, वही आपको निकालने के लिए बोलती है कि भाई निकालो ये हार्मोन जो है, क्योंकि हमें शुगर को मेटाबोलाइज करना है। तो उसका सही आंसर क्या बनेगा, पिट्यूटरी ग्रंथि, तो मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। और बच्चों आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है ना, उसमें बच्चों ये दो भाग होते हैं, अग्र भाग यानी के एंटीरियर, और एक पिट्यूटरी का भाग होता है पार्श्व भाग यानी के पोस्टीरियर। तो हमेशा याद रखिए ADH जो हार्मोन है ये पीछे वाली पीयूष ग्रंथि से निकलता है, आगे वाली से दूसरे हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन निकलेगा, ठीक है, या आपके बॉडी में जो बच्चों ये मेल फीमेल के हार्मोन होते हैं, जेनिटल हार्मोन होते हैं, ये निकलता है, ठीक है। तो ये भी काम बटे हुए हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपको बताना है अंडों में कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा मिलता है, अंडों में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन मिलता है।
बच्चों कल मैं आपको ना केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है? कल हम केमिस्ट्री करेंगे, केमिस्ट्री कम हुई है हमारी, बायो काफी हो गई है। और इसका आंसर आ रहा है अंडों में कौन सा प्रोटीन मिल रहा है गाइस? बिल्कुल ग्लोबुलिन। कौन सा? ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, ग्लूटीन, कोलाजन। यस वेरी गुड, एल्ब्यूमिन इज द राइट आंसर। बच्चों सफेद पार्ट जो होता है अंडे का, मैंने पहले भी आपको काफी बार बताया कि अंडे में जो व्हाइट पार्ट होता है वो एल्ब्यूमिन होता है। चलिए बच्चों तने का जो हार्ड पार्ट होता है, तने का जो हार्ड पार्ट होता है बीच में जो पूरे तने को सपोर्ट करता है वो किसकी वजह से होता है बताइए? स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम एंड स्टोमेटा। आपके पेड़ में जो बीचों बीच तना होता है, तना हुआ तना, तो वो किसकी वजह से होता है बताएं? और बच्चों कल मैंने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए थे रात को 7 बजे, और इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स का सीरीज अभी इस हफ्ते चलता रहेगा, तो आप लोग 7 बजे मुझे शाम को ज्वाइन करोगे। और जिन्होंने कल का क्लास नहीं देखा है, कल का पहला क्लास हुआ था, तो प्लीज आप उसको जरूर देख लेंगे क्लास को, ठीक है? शाम को 7 बजे लाइव हुआ था इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। चलिए मेरे पास जो आंसर आ रहे हैं, स्क्लेरेनकाइमा आ रहा है और इसका सही आंसर है जाइलम। बच्चों हमेशा याद रखिए, जब आप किसी तने का माइक्रोस्कोपिक उसको बीच में से काटिएगा तो आपको वहां पे बहुत गोल 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 धारियां नजर आएंगी लकड़ी के अंदर। हमेशा याद रखिए, पौधों के बिल्कुल बीचों बीच जाइलम की मोटी लेयर होती है, जाइलम के ऊपर परत चढ़ी होती है, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। यस सबने गलत कर दिया है इसका आंसर, और नोट करिएगा, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम बच्चों ये दो जाइलम की लेयर अंदर बनी होती है, जो पौधे को बीच में सपोर्ट भी करती है और साथ में पौधों में पानी का ट्रांसपोर्टेशन करती है। आप ये मान के चलिए कि पूरे पौधे की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है जाइलम। जैसे हमारे पूरे बॉडी को स्पाइनल कॉर्ड ने जोड़ रखा है ब्रेन से और पैरों तक, वैसे ही पेड़ की जो स्पाइनल कॉर्ड है वो जाइलम होती है। तो बच्चों जाइलम बिल्कुल बीचों बीच होती है, और सबसे हार्ड पार्ट जो होता है स्टेम का वो जाइलम की वजह से होता है, नोट कर लीजिए। और अगर आपको मेरी बात का ट्रस्ट नहीं आ रहा है तो आप डायग्राम बाद में देख लेना अपनी कॉपी में खोलकर, वहां पर बिल्कुल जो आप अगर आप डाइसेक्शन देखोगे स्टेम का तो बीचों बीच आपको प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम नजर आएगा। तो राइट आंसर इज जाइलम। हाँ याद आ गया प्रज्ञा, मैंने पहले भी समझाया था ये क्वेश्चन, जब क्लास में करा रही थी अन अकेडमी पर, तब भी मैंने आपको एक डायग्राम दिखाकर पूरा शो करा था कि किस तरीके से जाइलम सपोर्ट करता है बीच में, और ये सभी ने गलत कर दिया। जिनका गलत हुआ है ठीक करिए इसको और लर्न करिए इस क्वेश्चन को। और इसी बात पर जो बच्चे अभी वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर रहे भाई, फटाक से लाइक शेयर करते रहिएगे। यस चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों जी, आपको बताना है बच्चा कि हमारे पास जो पेड़ है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, सूखे पेड़ की मतलब कलियां कहा जाता है उसको, क्या कहा जाता है? कलियां, काली मिर्च, लौंग, जीरा, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही आंसर्स आ रहे हैं गाइस मेरे पास, बिल्कुल सही आंसर्स आ रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर है गाइस, वेरी नाइस। चलिए बिल्कुल सही क्या आंसर आ रहा है, लौंग। बच्चों लौंग जो होता है वो पौधे का सूखी जो कली होती है ना उसी को आप लोग लौंग बोलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन आता है, हेलो मले तिवारी जी नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। अमित तिवारी जी गुड आफ्टरनून। पेट का कट ऑफ जाएगा 75, मेरे ख्याल से 70 से 80 के बीच में जाएगा, और ये डिपेंड करता है कोटा पे, ओबीसी और जनरल में दो या एक मार्क्स का फर्क रहेगा। मान लीजिए जनरल का कट ऑफ जा रहा है 80, तो ओबीसी का जो कट ऑफ जाएगा मेरे हिसाब से
मेरे हिसाब से बच्चों 76 to 78 जो है रह जाएगा, और बाकी जो दूसरे कोटे वाले हैं उनका 70 के लगभग जा सकता है। यस, चलिए बच्चों आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो किसी खास जेंडर यानी किसी खास मेल या फीमेल को नहीं होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हम लेकर आते हैं आपके लिए। और बच्चों देखिए, आप थ्योरी खूब पढ़िए, हम ये नहीं कहते, थ्योरी पढ़ना जरूरी है, लेकिन थ्योरी पढ़कर भी अगर आपसे क्वेश्चन ना हुए या बेकार की थ्योरी आप पढ़ रहे हो जो आपके मतलब की नहीं है, आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आना नहीं है, ऐसी थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पाठ गधों की तरह नहीं पढ़ना है आपने, आपने पढ़ना है स्मार्ट तरीके से, ठीक है। गले नहीं लगे पड़े बायोलॉजी में गधों की तरह, जरूरत ही नहीं है। इतनी देर में यार आप करंट अफेयर्स तैयार करो, इतनी देर में आप इकोलॉजी एनवायरमेंट तैयार करो। साइंस के लिए मैंने आपको जो स्ट्रैटेजीज गाइस बताई है ना, बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजीज बताई है, आप कम समय में बेहतरीन आंसर्स दे सकते हो, कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप लोग लर्न कर सकते हो। वेरी गुड। कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पर जेनेटिक ट्रेड है। तो बच्चों आपका आंसर क्या आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, इसमें से कौन सा जेनेटिक बीमारी नहीं है? वेरी गुड प्रज्ञा एंड आरिफ, वेरी गुड। दोनों बच्चों को मैंने क्लास में पढ़ाया है, प्लस क्लास में पढ़ाया हुआ है, वैसे भी पढ़ाती रहती हूँ, दोनों का जवाब बिल्कुल सही है। बच्चों अस्थमा जो होता है ना, ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन जो गंजापन है इसका जो जीन होता है, ये मेल के जो मेल का वाई क्रोमोजोम होता है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि मेल का वाई क्रोमोजोम जो पुरुषों के अंदर गंजेपन का एक पैटर्न होता है, बाल्डनेस पैटर्न होता है उसके, बच्चों वो किसको किसको कंट्रोल करता है, वो करता है बाल्डनेस को। तो वेरी गुड गाइस बोथ ऑफ यू, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। बच्चों ये होता है फर्क, अगर आप एक्सपर्ट टीचर से पढ़ेंगे तो आपको एक्सपर्ट चीज मिलेगी, एक्सपर्ट नॉलेज मिलेगी और पेपर में गलत नहीं होगा। और आप इंगे दिंगे से पढ़ते घूमोगे, कभी इधर पढ़ लिया कभी इधर पढ़ लिया, तो बच्चों आप ही का नुकसान है। क्वेश्चन नहीं समझ पाए, सेक्स लिंक कैरेक्टर पूछ रहा था आपसे कि इसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम पे कौन सा बीमारी या कौन सा कैरेक्टर नहीं होता है, ये पूछ रहा था आपसे, ठीक है ना। और ये मैं बताती रहती हूँ अपनी क्लासेस में, बच्चों मेरी क्लासेस में आपको भी आया करो, प्लस में जो बच्चे ऑलरेडी प्लस के मेंबर है, इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी प्लस की क्लास में आके बैठा करो, तब आपको पता चलेगा कितना डिफरेंस है। साइंस को जैसे लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं वो बिल्कुल मजाक करते हैं, साइंस को साइंस की तरह पढ़ना है, हमें कोई डॉक्टर नहीं बनना है कि पूरा बैठकर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, कितनी मसल्स हैं क्या है, नहीं। स्मार्ट स्टडी करिए, 1 घंटे में 5 घंटे का पढ़ाती हूँ मैं। हाँ गुगली दी मले जी, गुगली दी तो मले जी बिल्कुल एक्सपर्ट के साथ पढ़ा करो, बैठकर इधर उधर मत भटका करो साइंस की क्लासेस में, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन आना है साइंस से, मजाक में मत लो बिल्कुल, और इधर उधर समय बर्बाद करोगे ना अपना फालतू की, 1-1 घंटा बैठ के अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे, 2-2 घंटे बैठ कर अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला पेपर में, मजा आ जाएगा तुम्हें, फिर कहाँ कहोगे यार हमने तो बहुत साइंस पढ़ी थी लेकिन कुछ आया ही नहीं पेपर में। बच्चों मेरा नया बैच आ रहा है प्लस का 18 सितंबर से दोपहर में 1:30 बजे, ज्वाइन कर लेना। अगर अगले महीने कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन निकालने हैं ना, आराम से मैं बता रही हूँ, तो मेरी क्लास में आके बैठ जाना 1:30 बजे से, ठीक है। सभी को बोल रही हूँ जो भी प्लस के बंदे हैं, और इकोलॉजी एनवायरमेंट की भी क्लास लगानी मैंने शुरू कर दी है 7 बजे से, उसको ज्वाइन करो और ये वाली क्लासेस को ज्वाइन करो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जो किसी भी कोशिका में बदल सकती हैं। बच्चों साइंस को बिल्कुल मजाक में मत लीजिए, बिल्कुल भी मजाक में मत लीजिए, 20 से 25 क्वेश्चन आने हैं आपके पीसीएस में, और अगर आपने साइंस को मजाक में लिया, टेक्नोलॉजी को मजाक में लिया, इकोलॉजी एनवायरमेंट को मजाक में लिया, तो आप ये मान के चलना हाथ से पेपर निकल जाएगा आपके, बिल्कुल हाथ से पेपर निकल जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल मजाक में मत लो, स्मार्ट स्टडी करो एकदम से। चलिए बिल्कुल सही आंसर है, नहीं नहीं प्रज्ञा गड़बड़ हो गई, आंसर को चेक करो, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा कोशिका सब कोशिका में बदल सकता है, ध्यान से आंसर दीजिए, ध्यान से देखिए। स्टेम सेल, बच्चों ये तना नहीं है, स्टेम है ये वो वाला तना नहीं है, ये स्टेम सेल वाला स्टेम सेल है, और क्या, बिल्कुल सही, स्टेम सेल इज द राइट आंसर। बच्चों स्टेम सेल जो है आपके जब हम एम्ब्रियो होते हैं, छोटे से भ्रूण होते हैं, उस समय स्टेम सेल अगर बॉडी से निकाल लिए जाए तो वो शरीर के किसी भी अंग में कन्वर्टेड हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, आप
क्या कहते हैं, अदरक का कौन सा भाग खाते हैं, अदरक का कौन सा भाग खाते हैं आप बताइए बच्चों। ये आपको देखना है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। टीचर तो पढ़ाता चला जाएगा, टीचर तो पढ़ाता चला जाएगा आपको, टीचर को नहीं कुछ मतलब है, वो तो अपनी अपनी धुन में पढ़ा रहा है। अब आपको उस टीचर का हाथ पकड़ना है जो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस तक ले जा सके पीसीएस में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो आपको यूपी पीसीएस में मैक्सिमम क्वेश्चन दिखा सके, करा सके, आपको उस टीचर का हाथ पकड़ना है। समझ आ गई? चलिए तो बच्चों, मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड स्टेम, वेरी गुड बच्चों। तना होता है ये, जिंजर जो होता है ये तना होता है, तना, नोट कर लीजिए इसको। ये जड़ नहीं होती है, ये तना होता है, ठीक है, नोट कर लें। आपने बच्चों कभी ध्यान से देखिएगा, जो जिंजर होती है उसके ऊपर जड़ें निकली होती हैं, इस तरीके से उसके ऊपर जड़ें निकली होती हैं, तो तना, ये प्रॉपर तना होता है जिसके अंदर फूड स्टोर हो जाता है जिंजर का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी, इलायची, लौंग, हल्दी या इनमें से कोई नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इलायची को कहा जाता है मसालों की रानी, बहुत ज्यादा खुशबूदार और भोजन को बहुत अच्छा आपके टेस्ट दे देती है। चलिए क्वेश्चन को मैं छोड़ दूंगी, थोड़ा सा ये क्वेश्चन मुझे गड़बड़ लग रहा है टाइपिंग में, अगले क्वेश्चन पे आती हूँ। बच्चों आपको बताना है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा आपको बताना है कौन सी जगह है, लोकस का मतलब होता है जगह, कौन सी जगह ऐसी है जहां पर सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं आपकी प्लाज्मा में, आपका प्लाज्मा सेल के अंदर जो प्लाज्मा होता है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपकी कोशिका भित्ति, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कोशिका भित्ति, बहुत ध्यान से देखते रहिए, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोशिका भित्ति। बच्चों आपके शरीर में सारी बायोकेमिकल रिएक्शन किस जगह पर होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड आरिफ, बहुत शानदार जवाब आपका। बच्चों सारे बायोकेमिकल रिएक्शन जो होता है ना, हमेशा आपके जो सेल मेम्ब्रेन होती है सबसे पहले यहीं पर होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में। प्रज्ञा, सेल वॉल तो बेटे डेड होती है, ये तो डेड होता है, इसमें तो कोई रिएक्शन ही नहीं हो सकता, ठीक है, हाँ इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो सकता, ये डेड होती है सेल वॉल। ध्यान रखिए सेल कोशिका, मैंने आपको बताया था कि कोशिका भित्ति आपके, सबसे पहले तो कोशिका भित्ति केवल पौधों में मिलती है। प्रणाम राम जी, केसरी जी, नमस्कार, गुड गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चों सबसे पहले तो सेल वॉल जो है वो मृत होती है, कहाँ मिलती है, पौधों में मिलती है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन कैसे हो जाएगा, ठीक है, तो नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जब आपके शरीर पे, एक बात और बता दूं मैं, जब आपके शरीर पे कोई कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया कभी भी आपको करता है ना, अटैक करता है ना, तो सबसे पहले आपकी सेल मेम्ब्रेन पे अटैक करता है वो, ध्यान रखना। किस पे अटैक करता है? सेल मेम्ब्रेन पे अटैक करता है। कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी प्रोटोजोआ, कोई भी चीज, ये क्वेश्चन मैं बताती हूँ ना आपको, जो एक्स्ट्रा चीजें बताती हूँ उसको ध्यान से कहीं लिख लिया कीजिए, पेपर में पूछा जाता है। देखिए एक्सपर्ट, मैं, मेरा एक्सपर्टीज आपके साथ है, अगर आप मेरे एक्सपर्टीज का फायदा नहीं उठा पा रहे हो तो बेकार है। तो बच्चों जो बताती हूँ ना कि ये लिख लिया करो, तो उसको लिख लिया करो, मतलब तो है ना, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड आरिफ, बहुत अच्छा जवाब आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, बच्चों आपको बताना है कि आपके पास एक ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि का नाम होता है पीनियल ग्रंथि, ठीक है, क्या नाम होता है? पीनियल ग्रंथि। अब आपको ये बताना है, पीनियल ग्रंथि जो है ना एक हार्मोन निकालती है, उसको कहा जाता है मेलाटोनिन। अब आपको ये बताना है कौन सी लाइट मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को कम कर देती है? कोई बात नहीं प्रज्ञा, ध्यान दिया करो, पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए, गलती यहां हो जाए कोई बात नहीं, पेपर में नहीं होनी चाहिए,
चलिए, मेरे पास जो आंसर आ रहा है, आरिफ का, प्रज्ञा का, रामजी केसरी, जयंत पांडे, पूजा, सब मुझे जवाब दे रहे हैं नीला। बिल्कुल सही बच्चों, आप कभी इस बात को ध्यान रखिए, आप कभी अपने मोबाइल पे काम करते हैं, बिल्कुल जब आप अपने मोबाइल पे काम करते हैं, आजकल जो आधुनिक मोबाइल आ रहे हैं उसमें ब्लू रे फिल्टर्स आते हैं, उसमें लिखा होता है ब्लू रे या ब्लू लाइट फिल्टर। बच्चों जितना आप नीले रंग से सोते समय आप नीले रंग को अपने आसपास रखेंगे, उतना बच्चों मेलाटोनिन जो होता है ना वो बंद हो जाएगा होना, और जब वो बंद हो जाएगा तो आपकी नींद उड़ जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि भी सोने से थोड़ी देर पहले आप अपने मोबाइल को, अपने टीवी को बंद कर दें, सबसे नीले रंग की रेज निकलती है। तो बिल्कुल वेरी गुड आंसर गाइस, बहुत अच्छे आंसर्स आपने दिए। नीला रंग, नीला रंग सबसे ज्यादा आपके नींद के साइकिल को प्रभावित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बच्चों आपको बताना है इनमें से कौन सा एंजाइम नहीं है। कौन सा एंजाइम नहीं है? और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, यार अच्छा नहीं लगता हमें, करा करो, मजा आता है, मुझे पता आपको, आप इसलिए क्लास में आते हो। लाइक शेयर, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, लाइक शेयर कम ऐसे चलेगा भाई, दिस इज नॉट गुड। चलिए एंजाइम कौन सा नहीं है इसमें, वेरी गुड बच्चों, गैस्ट्रिन जो होता है ये कोई एंजाइम नहीं होता है, दिस इज अ हॉर्मोन। बच्चों आपके पेट में जब डाइजेस्टिव प्रक्रिया शुरू होती है तो उस समय आपका जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो स्टिमुलेट करती है आपके पेट को कि वो गैस्ट्रिन निकाले। गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, आपके पेट में एचसीएल हार्मोन को रिलीज करता है। ओके जय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस, प्लीज कीप कमिंग, अच्छा लगता है आप आते हैं तो सारे बच्चे। चलिए चलिए, जयंत को जाना है किसी काम से, बाकी बच्चे यहीं रहेंगे। तो बच्चों ये आपके पेट में एचसीएल को रिलीज करता है जो पाचन प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। तो बिल्कुल बहुत शानदार जवाब, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन सभी बच्चों का, बच्चों आपको बताने टीवी के ऊपर किसने काम करा था, टीवी के ऊपर किसने काम करा था, रॉबर्ट कोच, कार्ल वॉन बीयर, अरविंद नेहर या रिचर्ड गोल्डस्मिथ। टीवी के ऊपर किसने काम करा था, क्वेश्चन नंबर 28। एब्सोल्युटली राइट बच्चों, कोच ने काम करा था टीवी के ऊपर, किसने काम करा था, कोच ने काम किया था। और टीवी का जो, बच्चों याद रखिए, टीवी का जो ट्यूबुलिन, ट्यूबरक्यूलिन नाम से जो वैक्सीन बनाया गया था, ट्यूबरक्यूलिन, वो भी कोच ने बनाया था। हेलो प्रशांत, नमस्कार, वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ट्यूबरक्यूलिन नाम से बना था। और बच्चों टीबी के बीमारी के लिए उन्होंने कुछ हमें बताया भी था, उसको कहा जाता है कोच डिसीज। टीबी का दूसरा नाम भी आप नोट कर सकते हो, कोच डिसीज, कोच के नाम पर ही नाम पड़ा हुआ है। और बच्चों जो डीपीटी का वैक्सीन आप लोग लगाते हो ना बचपन में, डीपीटी, डीपीटी ये भी किसने बनाया है, डीपीटी का वैक्सीन का श्रेय भी किसको जाता है, कोच को ही जाता है। नोट कर लीजिए ये सारी बातें। बच्चों डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीटी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस एंड ट्यूबरक्यूलिस, है ना, टेटनस, यानी के काली खांसी, डिप्थीरिया और टेटनस। तो बच्चों ये सब, इसके ऊपर भी किसने काम करा था, रॉबर्ट कोच ने ही काम करा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आ जाता है ये क्वेश्चन बहुत बार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों जी, आपको बताना है कि पोलियो वैक्सीन के ऊपर किसने सबसे पहले काम करा था, पोलियो वैक्सीन के ऊपर, जोनस साक, डेविड बॉडियान, अल्मोथ राइट और अल्बर्ट साबिन। वेरी गुड प्रज्ञा, बहुत अच्छा आंसर, रामजी केसरी, जोन साग, बच्चों साग मेडिसिन भी इसको कहा जाता है, वेरी गुड आरिफ, साग, इसको साग वैक्सीन भी कहा जाता है, वेरी गुड मले। तो बच्चों ये पोलियो का सारा जो श्रेय जाता है इन्हीं को जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है और दोबारा आ सकता है। चलिए बच्चों होडोफोबिया क्या होता है, होडोफोबिया, होडोफोबिया बताएं,
व्हाट इज होडोफोबिया? स्लीपिंग, सोने का भय, नींद में चलने का भय, ट्रैवलिंग करने का भय या दौड़ने का भय? चलिए मेरे पास आंसर्स आने शुरू हो गए क्वेश्चन नंबर 30 के। बहुत बढ़िया, जवाब दे बच्चों क्विकली। ट्रैवलिंग, स्लीपिंग, यात्रा करना। वेरी गुड वेरी गुड आरिफ एंड प्रज्ञा, बहुत अच्छा आंसर आपका। ट्रैवलिंग बच्चों, घूमने का भय, घूमने पर ये हो जाएगा, घूमने पर वो हो जाएगा। रामजी केसरी का जवाब बिल्कुल सही, होडोफोबिया ट्रैवलिंग का भय होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करें। अगला क्वेश्चन बच्चों, इंडियन जिनसेंग किसका नाम है? इंडियन जिनसेंग किसको बोलते हैं? विथेनिया सोमीफेरा, धतूरा सेरेटोकोला, इबेरिस अमारा और कैप्सेला बर्सा पास्टोरिस। बच्चों हर साल एक क्वेश्चन आता है स्पीशीज के ऊपर, हर साल एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता रही हूँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड प्रज्ञा, बहुत शानदार जवाब, विथेनिया सोमनीफेरा। बच्चों इसको हिंदी में, वेरी गुड आरिफ, हम इसको हिंदी में कहते हैं अश्वगंध। अश्वगंध कहा जाता है इसको, जिसका कोविड के समय पर बहुत इस्तेमाल किया गया। बाबा रामदेव ने भी बोला कि भाई कि अश्वगंध खूब खाइए और अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए। तो विथेनिया सोमनीफेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। एक तो थे पुराने जेनेटिक्स, ग्रेगोर मेंडल है ना, और विलियम बेटसन। क्या आंसर आएगा? विलियम बेटसन, रॉबर्ट हुक, बटलर और बोवर। आरिफ याद आ गया तुमको कि हमें बाबा रामदेव के नाम से क्यों हंसी आई? हमने एक वीडियो भेजा था ना ग्रुप पर, बाबा रामदेव वाला। हेलो रितिक, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। चलिए बच्चों, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स क्या है, कौन है? बेटसन, नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों। पुराने फादर थे ग्रेगोर मेंडल। मेंडल के नियम हम आज भी फॉलो करते हैं, और जो मॉडर्न फादर है जिन्होंने जेनेटिक्स के नए प्रिंसिपल्स दिए हमें कि भाई किस तरीके से आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर सकते हो, पीएम कौन है? रामदेव। हाँ जी तो बेटसन को बच्चों कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें आप। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, आपने रेड वाइन वाला गाना भी सुना होगा, रेड वाइन ये पुरानी है ना, और रेड वाइन आपने देखा भी होगा टीवी वगैरह पर। अब आप मुझे ये बताओ कि रेड वाइन के अंदर जो लाल कलर होता है वो क्यों होता है? हेलो असीम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। रेड वाइन के अंदर लाल कलर क्यों होता है? केमिकल्स होते हैं उसके अंदर, या पिगमेंट्स होते हैं, या उसमें रंग मिश्रित होता है, क्या चूंकि उसको बनाकर रख दिया जाता है, एजिंग कर दी जाती है उसकी, इसलिए उसमें लाल कलर हो जाता है? बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए आरिफ का सही जवाब, रामजी केसरी का सही जवाब, प्रज्ञा का सही जवाब, ऋतिक का सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है पिगमेंट्स। बच्चों कौन सा पिगमेंट होता है लाल, रेड वाइन ये पुरानी? हाँ कौन सा पिगमेंट होता है, नाम भी बता दीजिए। चलिए हम बता देते हैं, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन यस, पिगमेंट का नाम नोट कर लीजिए, एंथा, एंथोसाइनिन। बच्चों नेचुरली ये पिगमेंट आपको कहाँ मिलता है? एंथोसाइनिन आपको मिलता है अंगूर में। अंगूर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? वाइटिस विनिफेरा। और बच्चों अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? विटी कल्चर। देखो सारी बातें तुरंत से नहीं बता दी हमने आपको, एंथोसाइनिन अंगूर, अंगूर का नाम वाइटिस विनिफेरा, अंगूर की खेती विटी कल्चर, अंगूर की बेटी कहा जाता है वाइन को, तो बिल्कुल सही आंसर है एंथोसाइनिन। चलिए नोट करते हैं आगे अगला क्वेश्चन।
अच्छा आपको बताना है कि जानवरों ने कौन सा जानवर है जो उनके पास सुनने के लिए ध्वनिक पार्श्व प्रणाली का वो इस्तेमाल करते हैं, अकाउस्ट लेट्रस प्रणाली, मतलब ध्वनि आगे जाएगी लौट कर आ सकती है, या आसपास के माहौल को बच्चों संवेदनशील तरीके से वो लोगों को समझते हैं, ऐसा कौन सा जानवर है बताइए, कौन सा जानवर है? बहुत शानदार क्वेश्चन। एम्फीबियन, स्नेक्स, मछलियां और बर्ड्स, शानदार क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं हम इस सीरीज में, बहुत कुछ लेकर आती हूँ गाइस मैं सीरीज में, कभी एमसीक्यूज लेकर आती हूँ आपके लिए, कभी करंट अफेयर्स लेकर आती हूँ, और इसी बात पर बच्चे लाइक शेयर नहीं करते यार, गलत बात। बच्चों अकाउस्टिस लेटरलिस सिस्टम जो है ये मिलता है आपकी मछली में, मछली के ब्रेन से लेकर, और जहां पर उसका पहला पंख होता है, ये तो पीछे के पंख हो गए, सॉरी मेरी ड्राइंग ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, कि हम बायोलॉजी में पीएचडी है लेकिन फिर भी हमारी वो खराब है, क्या कहते हैं ड्राइंग। बच्चों इसका फन, ये जो फिन होते हैं मछली के, इस फिन तक बच्चों ये सेंस कर सकती है पूरा, तो ये जो तरीका होता है इसी को कहा जाता है अकाउस्टिक लेटरेस सिस्टम, और इसका सही आंसर है वेरी गुड वेरी गुड ऋतिक एंड प्रज्ञा एंड आरिफ, बहुत बढ़िया जवाब आपके फिशेस बच्चों, बिल्कुल अकाउस्टिक लेटरलिस सिस्टम जो होता है वो मछलियों के अंदर मिलता है, स्पेशली किसमें मिलता है, मछलियों के अंदर मिलता है, ठीक है। और बच्चों मछलियों के अंदर इतना एक्सपर्ट सिस्टम होता है कि अगर आप पानी के पीएच का, अगर पानी का पीएच चेंज हो जाए, या पानी का टेम्परेचर चेंज हो जाए, या पानी का डीपनेस ग्रेविटी चेंज हो जाए, तो बच्चों ये सब भी मछलियों को पता लग जाता है कि पानी का पोजीशन चेंज हुआ है। आप सोचिए कितना जबरदस्त सिस्टम फिशेस के अंदर बच्चों बना हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, अच्छा आपको बताना हल्दी, हल्दी कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? यस मले बिल्कुल, देखा तभी तो मैंने आपसे बोला कि मेरी क्लास में आओगे ना तो आपको नई नई चीजें को जानने को मिलेंगी, और नए नए मजा आएगा आपको, नए नए क्वेश्चंस करोगे है ना, और वो क्वेश्चंस करोगे जो आपका नॉलेज बढ़ाएगा और जो आपको आगे के एग्जाम के लिए तैयार करेगा। रटे लगाए क्वेश्चन नहीं कराती हूँ मैं, वो भी कराती हूँ लेकिन समझदारी के साथ विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना बच्चों। हल्दी जो है कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, और इसी बात पे नए नए प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं हमारी वीडियो पर, लाइक शेयर करेंगे दबा कर, जबरदस्त क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं हमारी क्लास में, तो बताइए हल्दी कौन से पौधे फैमिली से संबंध रखती है, और मेरे पास आंसर आ रहा है अदरक, अदरक का आंसर आ रहा है असीम, आरिफ, रामजी, रितिक, पूजा, प्रज्ञा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आंसर, यस बच्चों अदरक भी तना होता है, स्टेम होता है, और हल्दी मैडम भी क्या होती है, क्या नाम होता है हल्दी का साइंटिफिक, कुरक्यूमिन लौंगा, क्या नाम होता है कुरक्यूमिन लौंगा, तो हेलो प्रशांत बहुत देर बाद आंसर आया आपका, चलिए तो कुरक्यूमिन लौंगा, और ये दोनों भाई बहन एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, बच्चों आपको बताना है अभी RIDL ये न्यूज में था, बिल्कुल करंट और साइंस का क्वेश्चन मिला के पूछ रही हूँ, देख जबरदस्त क्वेश्चन, और आपकी नॉलेज का टेस्ट होगा कितने बच्चों को पता है। बच्चों अभी RIDL न्यूज में था, आपको बताना है ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन से संबंधित है कुछ, आपको बताना है किस बारे में न्यूज में था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन जिसको कहा जाता है। स्वाइन फ्लू, मलेरिया, ईमानदारी के साथ जवाब देंगे जिसको जो आता है, क्योंकि ये मेरा टेस्ट नहीं है, ये आपकी नॉलेज का टेस्ट है कि आप एग्जाम के लिए कितना तैयार हैं। स्वाइन फ्लू, मलेरिया, कैंसर, एड्स, चलिए प्रशांत ने जवाब दिया, प्रज्ञा ने जवाब दिया, असीम ने जवाब दिया, आरिफ ने जवाब दिया, और ज्यादातर सभी बच्चों के जवाब सही है जिनको मैंने पढ़ाया था भाई, ये मैंने पढ़ाया है आपको, सबके आंसर सही है मलेरिया। अब आप बोलोगे मैम RIDL क्या चीज है, बच्चों रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बच्चों ये ऐसी प्रजाति पैदा करी गई है मलेरिया की जिसमें जो मादा मच्छर होता है वो अंडे नहीं दे पाएगी, वो बांझ होती है, अंडा नहीं दे पाएगी वो बच्चों, वो बांझ हो जाती है, बांझ स्टेराइल कर देते हैं उसको, उसके अंदर ऐसा जीन डाल दिया जाता है कि वो स्टेराइल हो जाती है, वो अंडे नहीं दे पाती, और जब अंडे नहीं देगी तो
ऑब्वियसली मलेरिया नहीं फैलेगा। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, जल्दी बताइए, है ना शानदार क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, मजा आ गया कि नहीं आ गया बताओ। और सारे सभी बच्चों के आंसर बिल्कुल सही है जिनको मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। ये जेनेटिकली एनहांसमेंट है, RLDL, मॉस्किटो वेक्टर कंट्रोल कहा जाता है इसको, मॉस्किटो वेक्टर कंट्रोल मेथड कहा जाता है इसको, वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम। मले बच्चे, मेरा समय तो 11 बजे से 12 बजे होता है डेली वाला, और उसके अलावा आप मेरी कोई भी क्लास में आ जाओ, स्पेशल पे मैं इतनी जबरदस्त क्वेश्चन कराती हूँ साइंस के, मतलब पेपर में आते हैं। और मेरा प्लस का टाइम मैंने आपको बता ही दिया, मेरा नया बैच आप ज्वाइन कर लो 18 सितंबर से। और अगर आपकी साइंस आपको लगता है कि कमजोर है या साइंस में भी और बहुत कुछ पढ़ना है, तो आप मेरा अगस्त का क्लासेस इतने पुरानी वाली वॉच कर लो, समय 1:30 बजे से आपको दिख जाएगा। बच्चों जो मेरा सितंबर में बैच आ रहा है ना, ये मेरा अगस्त के बैच का आगे का पार्ट है। तो मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि जो मेरे सितंबर के बैच में आ रहा है, प्लीज आप लोग मेरी पुरानी क्लासेस वॉच कर लें, ताकि आपको आगे जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। हाँ, आपको दिक्कत ना हो। बच्चों ऐसे टीचर की क्लास में बैठी है जो एक्सपर्ट है, जो आपको नया कुछ बता रहा है, वो नहीं बता रहा जो आपको पता है, आपको वो बता रहा है जो आपको पता होना चाहिए लेकिन आपको पता नहीं है। अब ये फैसला आप करोगे कि आपको साइंस पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ रहे थे आज आप आज तक, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। समझ आ रही है बात, क्लियर हो गई है बात, चलिए बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आता है, अच्छा आपको बताना है कि MRI हमारे शरीर में ऐसा कौन सा एलिमेंट है। स्पेशल क्लास का टाइम मले मेरा है शाम को 9 बजे, रात को 9 बजे आता है मेरा स्पेशल क्लास, ज्वाइन किया कीजिए, स्पेशल क्लास 9 बजे आता है बच्चा। बच्चा ये बताएं मुझे कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऐसा तत्व है जो MRI के लिए काम करता है। आपने देखा होगा कई बार MRI कराते हैं लोग, तो हमारे शरीर में कौन सा ऐसा तत्व है जो सपोर्ट कर रहा है MRI को। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, सोडियम, बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। हेलो सुधीर जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो चुका है, 12 बज चुके हैं भाई। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम एंड सोडियम, और बिल्कुल 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 सही आंसर आ रहा है हमारे पास। सबकी पिटाई करूंगी, सबकी पिटाई, सबकी पिटाई, सारे बच्चे पढ़े हुए गलत कर गए। ध्यान से पढ़ो, MRI के लिए कौन सी चीज की जरूरत है हमें, कौन सी चीज। हेलो अनीता जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्निक, हाइड्रोजन। बच्चों MRI पानी के साथ काम करता है, आपके शरीर में जो हाइड्रोजन है उसके साथ मिलकर काम करता है MRI। सबने गड़बड़ कर दी, पिटाई हो जाएगी। सुधीर जी का आंसर सही है बिल्कुल, नोट करिए इसको, नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिए। चलिए, सबने गड़बड़ कर दिया, पढ़ाया मैंने, मुझे याद है मैंने पढ़ाया आपको, सब सारे बच्चे भूल गए। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आता है। बच्चा आपको ये बताना है, कौन सा पौधों में ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो जब पौधे में पानी की कमी हो जाती है, मान लीजिए बारिश नहीं होगी, मिट्टी में पानी कम हो गया, तो ऐसे में बच्चों वो पौधे को सूखे के लिए तैयार कर देता है, कौन सा हार्मोन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है, UPPCS लेवल का क्वेश्चन है। बताइए, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड और ऑक्सिन। बच्चों कौन सा हार्मोन है जो पौधे को सूखे के लिए, ड्रॉट के लिए तैयार करता है कि भाई ज्यादा इवेपोरेट मत हो यो, वरना मर जाएगा, सूख जाएगा। जिब्रेलिक एसिड, ऑक्सिन, एब्सिसिक, इथिलीन। वेरी गुड प्रज्ञा, शानदार जवाब आपका, एब्सिसिक एसिड। बच्चों आभा होता है, आभा, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं आभा, ठीक है। तो आभा जो है वो तैयार करता है, वेरी गुड असीम, आभा तैयार करता है पौधे को जब पानी की कमी हो जाती है। और बच्चों एक बात और बता दूं, आभा जब कम होता है तो जिब्रेलिन बढ़ जाता है, जिब्रेलिन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और जिब्रेलिन क्या करता है बच्चों, फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, पौधों में जो फूल बनते हैं ना, अगर आप पौधों में फूल बना रहे हैं, मतलब पौधों में फूल उगना है, तो आभा जैसे ही कम होगा गाबा बढ़ जाएगा, यानी कि जिब्रेलिक एसिड बढ़ जाएगा। यस, इसी को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, बिल्कुल सही, वेरी गुड प्रज्ञा।
ठीक है ना। अच्छा जयंत जी वापस आ गए, चलिए। तो बच्चों आबा को ही हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। आबा कम होता है तो गाबा बढ़ जाता है, गाबा बढ़ता है तो पौधों में फूल आने थोड़े से शुरू ज्यादा हो जाते हैं, इंड्यूस कर देता है, फ्लावरिंग इंड्यूस कर देता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों आपको बताना है, ब्रैकिया थेरेपी ये भी एक ट्रीटमेंट है जो कैंसर के लिए वो पूरे वर्ल्ड में यूज किया जा रहा है। अब आपको मुझे ये बताना है कि ब्रैकिया थेरेपी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किस तरह का थेरेपी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भैया। जिसे अपनी नॉलेज में टक्कर लेनी हो मेरी क्लास में आ जाया करो और देख लिया करो क्या पढ़ रहे हो साइंस में आप, है ना। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी, कौन सा पार्ट है ब्रैकिया थेरेपी? वेरी गुड जयंत, ऋतिक, प्रज्ञा, बहुत बढ़िया। अरे वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया सुधीर, शानदार जवाब आ रहे हैं मेरे पास और हम चाहते हैं कि शानदार जवाब आए। तो रेडियो थेरेपी बिल्कुल सही बच्चों। ब्रैकिया थेरेपी आपको मैं बता दूं, ब्रैकिया थेरेपी एक स्पेशलाइज्ड रोबोटिक थेरेपी होती है। मान लीजिए मैं बता देती हूँ क्या होता है इसमें, वेरी गुड असीम। क्या होता है ये, मान लीजिए गले में कैंसर हो गया किसी, तो अब पूरे शरीर को रेडिएशन में नहीं डालेंगे डॉक्टर्स, क्या करेंगे, केवल जिस जगह पे कैंसर हुआ है ना। मान लीजिए सर्वाइकल कैंसर हुआ है या ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या स्किन कैंसर हुआ है, केवल उसी जगह पे बच्चों रेडिएशन छोड़ी जाती है, केवल उसी जगह पे रेडिएशन छोड़ी जाती है। और ये इसीलिए इसको कहा जाता है ब्रैकिया थेरेपी। ये एक जगह की थेरेपी होती है, केवल एक जगह, इसमें पूरा शरीर आपका अप्रभावित रहता है। और बच्चों मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि थेरेपी में हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, नोट कर लीजिए, स्ट्रॉन्शियम। बच्चों एक धातु होती है रेडियो एक्टिव। अच्छा सर्कुलेटरी सिस्टम वाले क्वेश्चन करा देंगे रितिक, करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे, कल करा देंगे, मैं देखती हूँ मेरे पास बने हुए होंगे क्वेश्चन सर्कुलेटरी सिस्टम के। बच्चों स्ट्रॉन्शियम 90 का हम कौन से मेटल का इस्तेमाल करते हैं, इसमें स्ट्रॉन्शियम 90 का इस्तेमाल करते हैं, नोट कर लीजिए प्लीज, आप नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, आपको बताना है एक सबसे पहले एक हार्मोन को खोजा गया था, उसको कहा गया था फूली सीडलिंग बीमारी, ये चावल में पकड़ी गई थी, आपको बताना कौन सा हार्मोन था। कल देखती हूँ मैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के क्वेश्चन मेरे पास होंगे, मैं आपको कल कराती हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है जी बच्चों। कौन सा चावल में कौन सा बीमारी था जिससे हार्मोन की खोज की गई पौधों के, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। साइटोकाइनिन, इथिलीन, ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन, बच्चों ये पेपर में आ चुका, वेरी गुड सुधीर, बहुत बढ़िया शानदार जवाब आपका बच्चों। द राइट आंसर इज, वेरी गुड असीम, अनीता, ऋतिक, अनीता जी का भी सही जवाब, बहुत अच्छा आंसर। पूजा भारती बिल्कुल सही आंसर, वेरी नाइस। जयंत, आरिफ, प्रज्ञा, बच्चों जिब्रेलिन, द राइट आंसर इज जिब्रेलिन। बच्चों ये दुनिया में सबसे पहला जो प्लांट हार्मोन खोजा गया था वो था ऑक्सिन, और बच्चों ऑक्सिन की खोज करी थी डार्विन ने, ऑक्सिन की खोज किसने करी थी, डार्विन ने। नंबर टू पे जो हार्मोन खोजा गया उसका नाम था जिब्रेलिन, और बच्चों जिब्रेलिन की खोज करी थी जापान में, खोज हुआ था इसका, और बच्चों साइंटिस्ट का नाम था फ्यूजी कावा, साइंटिस्ट का नाम क्या था, फ्यूजी कावा। तो फ्यूजी कावा ने बच्चों ये हार्मोन चावल में खोजा था, और चावल में एक्चुअली एक फंगल रोग हो गया था, एक फफूंद की बीमारी हो गई थी, एक फंगल डिजीज हो गया था, है ना। तो उससे ही ये पता चला कि एक नया हार्मोन है जो ग्रोथ को प्रमोट करता है पौधों में, फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है ना, और बच्चों एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। देखिए सारा रिवाइज करा देती हूँ मैं, एक ही क्वेश्चन है सब रिवाइज करा देती हूँ आपको, आगे पीछे का सब रिवाइज हो जाता है, क्वेश्चन करने का फायदा ये होता है ना, जो आगे पीछे का सारा रिवाइज हो जाता है, जितना आपको आता है और जितना आपको आना चाहिए। चले अगला क्वेश्चन, चले बच्चों। बच्चों साइबर नाइफ, साइबर नाइफ क्या चीज है, ये अभी न्यूज में था, ये करंट अफेयर साइंस का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, साइबर क्या चीज है बताए। और इसी बात पर भैया लाइक शेयर करते रहिए वीडियो को, यस एक छोटा सा आपसे हम मांगते हैं भैया, लाइक शेयर मांगते हैं जरूर आपसे। मैग्नेटिक रेजोनेंस, कैंसर सर्जरी, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, रिमोट सेंसिंग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन।
नाइफ, ध्यान से पढ़ लीजिए। चले, सुधीर जी ने ईमानदारी से बोला कि मैम हमें नहीं पता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ बच्चों। दिस इज अ कैंसर सर्जरी, कैंसर की सर्जरी है बच्चों। साइबर नाइफ इज बेसिकली रोबोटिक सर्जरी। ये रोबोटिक सर्जरी है क्या? साइबर नाइफ, इसमें रोबोट एक ही पार्ट का, एक ही, मैंने अभी बताया था जैसे थोड़ी देर पहले आपको, एक ही जगह पर किसी पार्ट पर सर्जरी करना है तो उसी जगह पर सर्जरी की जाएगी। दैट इज बेसिकली साइबर नाइफ। नोट करिए, कैंसर सर्जरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए बच्चा जी। चलिए, हाँ, अपोलो की तरफ से हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, एक मिनट, कैंसर सर्जरी तो है ये, लेकिन ये मैग्नेटिक रेजोनेंस सर्जरी है। हाँ, ये कैंसर सर्जरी, हाँ, ये रेडिएशन थेरेपी में आता है। कौन सी थेरेपी में आता है? बिल्कुल सही, रेडिएशन थेरेपी में। लेकिन ये एमआरआई में नहीं आएगा, ये रेडिएशन थेरेपी तो है लेकिन एमआरआई में नहीं आएगा, इसको आपको याद रखना है। हाँ, रेडिएशन थेरेपी होती है ये। और बच्चों, ये कहाँ कहाँ के लिए यूज होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें रोबोट करता है सर्जरी। इसमें मेन चीज जो आपको याद रखनी है, रोबोट करता है, रोबोटिक सर्जरी होती है, ठीक है ना। इसमें बेसिकली जैसे कि आपका ये प्रॉब्लम हो गया, स्पाइन में प्रॉब्लम हो गया, या ब्रेन ब्रेन में ट्यूमर हो गया, ब्रेन का प्रॉब्लम हो गया। हाँ, एमआरआई में कंफ्यूज नहीं करना, एमआरआई बिल्कुल अलग है। लंग, बच्चों लंग कैंसर हो गया किसी को, फेफड़ों का कैंसर हो गया, स्पाइन कैंसर हो गया। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कहाँ कहाँ पे यूज होता है, लंग, स्पाइन, ब्रेन ट्यूमर, हेड, नेक। बच्चों लीवर कैंसर में भी इस्तेमाल होता है, और पैंक्रियास कैंसर में भी इस्तेमाल होता है, किडनी में भी इस्तेमाल होता है। बस ये ब्रेस्ट कैंसर में इस्तेमाल नहीं होता, त्वचा में इस्तेमाल नहीं होता, बाकी सब जगह इस्तेमाल होता है। प्रोस्टेट कैंसर में इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है, प्रोस्टेट मेल्स में हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है मेल्स के अंदर। तो वहां पर ये रोबोटिक सर्जरी जो होती है, इन्वेजिव सर्जरी होती है ये, और रेडिएशन के माध्यम से इसको ठीक कर दिया जाता है, ठीक है गाइस, बहुत बढ़िया। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, मेग 1। मेग 1 ये जीन है, और आपको बताना है ये जीन किसमें डिस्कवर किया गया था। मेग 1, मेग 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए, जवाब दीजिए। वेरी गुड असीम, बहुत शानदार जवाब, बहुत बढ़िया जवाब, मक्का। बच्चों मेग 1 जीन जो है वो मक्का में, वेरी गुड आर्य, वेरी गुड रामजी केसरी जी। मक्का के अंदर बच्चों मेग 1 जीन था। मैग का मतलब है मेटरनली एक्सप्रेस्ड। बच्चों एक्चुअली में इन जीन्स के माध्यम से पोषण की मात्रा को बढ़ाया गया था, यानी के बायो फोर्टिफिकेशन, बायो फोर्टिफिकेशन यानी के न्यूट्रिएंट की मात्रा को बढ़ाया गया। और इम्पॉर्टेंट है ये, आ सकता है पेपर में, इसको बिल्कुल दिमाग में चिपका लीजिए, दिमाग में चिपका लीजिए। बच्चों मक्के का साइंटिफिक नेम नोट करें आप, जिया मेज, जिया मेज। मक्के का साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। शुगर केन का क्या नाम आता है? सैकेरम ऑफेनिसलस, ठीक है। कॉटन का क्या नाम है साइंटिफिक? गॉसिपियम। बच्चों ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, इस साल प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17 बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स का इनॉग्रेशन करा था। उन्होंने ये बोला कि हम तो फसल खाते हैं, जो गेहूं, चावल, मक्का ये सब खा रहे हैं, क्यों ना हम इसी के अंदर न्यूट्रिएंट की मात्रा को बढ़ाए चले जाएं, अलग से हमें कोई और न्यूट्रिएंट लेने की जरूरत ना पड़े। तो बच्चों ऐसी जो फसलें होती है ना, उनको कहा जाता है बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स। इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ, इसमें पेपर में आ सकता है बायो फोर्टिफिकेशन, बायो फोर्टिफिकेशन। बाद में मत कहना मैम आपने बताया नहीं था, मैं सब बताती हूँ, पेपर में आने की चीजें बताती हूँ मैं, ध्यान से नोट कर लिया करो।
हेलो राम जी, नमस्कार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, आपको बताना है कि कॉटन, जो पेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन हमने बनाया कि भाई जिसपे कीड़े मकोड़े आतंक ना फैला सके, तो बीटी कॉटन बोला गया। आपको बताना है इसके लिए हमने जीन किससे लिया था। बच्चों बीटी कॉटन को जब हमने डेवलप करा तो हमने जीन किससे लिया था, बैक्टीरिया से लिया के वायरस से लिया के माइक्रो एल्गाई से लिया के प्रोटिस्टा से लिया। वेरी गुड प्रज्ञा, आरिफ, ऋतिक, असीम, बहुत शानदार जवाब, बैक्टीरिया से लिया। जयंत बिल्कुल सही। बच्चों नाम क्या था बैक्टीरियम का, बैसिलस थुरिनिजिनस। नोट कर सकते हैं, बीटी का फुल फॉर्म बता रही हूं मैं आपको, बैसिलस थुरिनिजिनस, ठीक है। यस, और इसी को शॉर्ट में बोला जाता है बीटी। इसी बैक्टीरिया का प्लाज्मिड निकाला गया था, उसी प्लाज्मिड के अंदर जीन को ट्रांसफर किया गया था कॉटन के अंदर, ठीक है। समझ आ गई बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, बाउमेंस कैप्सूल ये कहां पर मिलेगा आपको। वेरी गुड आरिफ, बिल्कुल सही नाम बोल रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बाउमेंस कैप्सूल कहां मिलता है आपको। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं, मेरे पास आने शुरू हो गए हैं। और जो बच्चे नए नए हमारी वीडियो पे आए हैं, लाइक शेयर तो जरूर करेंगे, एक लाइक तो बनता है। बिल्कुल सही, एक्सक्रीटरी सिस्टम। वेरी गुड बच्चों, आपकी किडनी के अंदर जो, जब आप किडनी को कभी खोल के देखिएगा कभी डायग्राम में, तो यहाँ पर जो अंदर आपकी बॉडी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन क्या होते हैं, नेफ्रॉन। बच्चों नेफ्रॉन का जो मुंह होता है ना, इस मुंह को ही कहा जाता है बाउमेंस कैप्सूल। तो मुंह होता है इसका, इसी को कहा जाता है बाउमेंस कैप्सूल। और बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, लास्ट क्वेश्चन, प्लीज लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपसे विदा लूंगी मैं अगली क्लास के लिए। बच्चों बायोलॉजिकल पासपोर्ट किसको बोलते हैं। अभी न्यूज में था ये भी, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आपसे। बायोलॉजिकल पासपोर्ट, वेरी गुड असीम एंड प्रज्ञा, बहुत अच्छा जवाब, बहुत शानदार जवाब आरिफ। यस, एलिमिनेटिंग डोपिंग। बच्चों बायोलॉजिकल पासपोर्ट डोप टेस्ट होता है, और जो लोग ओलंपिक्स में जाते हैं, बच्चों इंडिया में सन 2012 के बाद ये लागू हुआ था इंडिया के अंदर, हाँ मैंने पढ़ाया था ये रिसेंटली, बिल्कुल डोप टेस्ट कहा जाता है बच्चों। ओलंपिक या कोई भी बड़ा गेम होता है वर्ल्ड के अंदर, तो वहां पर बच्चों उस 90 सेकेंड का टेस्ट होता है ये, और जो भी खिलाड़ी होता है तो खिलाड़ी के यूरिन का सैंपल लिया जाता है इसमें, इसका सैंपल लिया जाता है यूरिन का सैंपल, तो डोप टेस्ट होता है ये, और 90 सेकंड के अंदर रिजल्ट दे देता है। ये पता लग जाता है कि व्यक्ति ने पिछले कितने घंटों के अंदर कोई ड्रग लिया है, कोई पावर एनहांसिंग सपोर्ट लिया है, कुछ लिया है, तो ये डोपिंग टेस्ट के नाम से मशहूर है। और हर खिलाड़ी का एक डोपिंग पासपोर्ट बनता है, उसका पूरा रिकॉर्ड बनाया जाता है कि आने वाले खेलों में ये किसी के साथ चीटिंग ना हो जाए। बिल्कुल चलिए, तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, आपसे विदा चाहूंगी, काफी देर हो गई क्लास करते करते, और चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली क्लास में शाम को 7 बजे, इकोलॉजी और एनवायरमेंट की क्लास में, आना मत भूलिएगा। हेलो नीलेश, नमस्कार, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो बच्चों आना ना भूलिएगा हमारी क्लास में, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जिन बच्चों ने नहीं करा। शानदार क्वेश्चंस लेकर हाजिर होती हूँ शाम को, और बच्चों 101% आपको मेरी क्वेश्चंस हमेशा नए मिलेंगे, बढ़िया मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, बिना रिवीजन के याद रहता है। थैंक यू आरिफ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कल मैं आपको हार्ट के क्वेश्चंस, मेरे पास डिमांड आई है मैम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा दीजिए, तो चलिए कल सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे भी और क्वेश्चन भी कराएंगे, आपकी डिमांड को जरूर पूरा किया जाएगा। बच्चों थैंक यू सो मच, कल लेकिन आना है आपको टाइम से 11:05 पर सुबह साइंस की क्लास में, और शाम को इकोलॉजी और एनवायरमेंट के क्वेश्चन करने जरूर आइएगा। मिलती हूँ आपसे शाम को, और आज से
स्पेशल क्लास 9 बजे का शुरू कर रही हूँ, तो एनरोल कर लीजिएगा शाम के लिए। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एंड जय भारत।